तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। भारतीय सेना ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब चीन भारत से युद्ध करने के फुल मूड में है और चीन की सेना तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्ध उपकरणों का पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के नजदीक स्थित सैन्य अड्डों पर जमावड़ा कर रही है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं चीनी सेना ने वहां पर बड़ी तादाद में पैदल सेना को ले जाने वाले युद्ध वाहनों को भी तैनात कर दिया है, जिसे कुछ ही घंटे में भारतीय सीमा के क्षेत्र के पास चीन की तरफ से तैनात किया जा सकता है। उधर चीन के सैन्य जमावड़े का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी ताकत और तैनाती बढ़ा दी है। वहीं एयरफोर्स जो है अब चीन और विवादित क्षेत्र की जो है निगरानी करेगी भारत की तरफ से। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि 25 दिनों से जारी दोनों देशों के बीच तनतनी का ये माहौल बनता आगे जा रहा है और अब युद्ध जैसे हालात भारत और चीन के बीच बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कमजोर नहीं होने देगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन की लद्दाख सीमा विवाद को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीति सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे कदमों का उचित जवाब देगा। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए में अमित शाह ने ये बातें कही हैं। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी, देश की अखंडता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस संबंध में किसी भी पार्टी और किसी भी भारत के नागरिक को संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाया है, लेकिन वह अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काफी बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने जो है चीन सीमा विवाद पर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें नसीहत दे दी है। तो ये काफी बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, साफ बता दूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोरोना वॉरियर के साथ बुरा व्यवहार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर फिर से चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट सामने आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये भी कहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 2 वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कोरोना वॉरियर हैं, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको सलाखों के पीछे घेरा जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत को एक बार फिर से चीन ने दी खुली धमकी, कहा अमेरिका और चीन के संग चल रहे विवाद से दूर रहे भारत, नहीं तो उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच चीन ने धमकी देते हुए आज भारत को कहा कि चीन अमेरिका विवाद से भारत को दूर ही रहना चाहिए। चीन ने कहा कि इसमें दखल देने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि चीन अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद शुरू हुआ विवाद दुनिया को नए कोल्ड वार की तरफ ढकेल सकता है। भाई आपको बता दें कि चीन का कहना है कि आगे एक नया कोल्ड वार शुरू होगा। अगर भारत अमेरिका के पक्ष में ये जाता है तो ये चीन उसके व्यापारिक रिश्ते के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। अगर भारत अमेरिका का मोहरा बनता है तो इन दोनों पड़ोसी देशों के ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे, जिससे भारत की
अर्थव्यवस्था जो काफी झटके झेल रही है पर बुरा असर पड़ सकता है और भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये काफी बड़ी जो है चेतावनी जो है दी गई है चीन की तरफ से भारत को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या कम, योगी आदित्यनाथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दूरदर्शिता सकारात्मक सोच के साथ सही फैसले लिए उसी का नतीजा रहा कि दुनिया के विकसित देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व मौतों के आंकड़े काफी कम रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक समय पर लॉकडाउन को लगाया, इसी की वजह से भारत में इतने कम कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भेजी गई कांग्रेस की बसों पर भी बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने बस के नाम पर प्रवासी श्रमिकों के साथ भद्दा मजा किया, जिंदगी भर कांग्रेस ने देश की जनता के साथ चीटिंग की है। वहीं इंडिया टीवी के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बसों के लिए तैयार थे लेकिन बसों की लिस्ट में 294 नंबर ऐसे थे उनमें परमिट या नंबर नहीं था या इंश्योरेंस नहीं था। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 66 बसें ऐसी थी जो ना बस थी और ना ही थ्री व्हीलर थे, 68 ऐसी थी जिनका कोई नाम पता नहीं था, 31 ऐसी थी जो ऑटो थे। हमें ये बताया गया कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ये बसें कांग्रेस की तरफ से भेज दी गई हैं और ये बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन हमने दोनों जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि इनका इस्तेमाल करें, लेकिन ये बसों के नाम पर सिर्फ कांग्रेस की चाल थी और कांग्रेस ने कोई भी बस नहीं दी और सारी बसें वापस ले ली। तो ये काफी बड़ा आरोप भी लगाया है योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर और ये काफी बड़ा बयान भी दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की उड़ी आज धज्जियां। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण के बीच आज देश के कई हिस्सों में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा दशहरा पर गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाढ़ के उत्तरा बहिनी गंगा घाट उमानाथ पर लोगों ने इस कदर गंगा स्नान के नाम पर गंगा घाटों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी है, जिसका कहने का कोई जवाब नहीं है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब देखते हैं कि मोदी सरकार इनके खिलाफ कितनी कार्रवाई करती है, क्योंकि जो है ईद के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने नमाज पढ़ने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब जो है दशहरा, जबकि मोदी सरकार को पता था कि दशहरा 1 जून को है और कई हिस्सों में ये पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने दशहरा से पहले ही पूरे देश में छूट दे दी और कहा कि सभी मंदिर मस्जिद खुल जाएंगे और इस तरह से जो है लॉकडाउन की धज्जियां अब जो है श्रद्धालुओं की तरफ से उड़ाई जा रही हैं। तो आप देखिएगा कि ये कितनी बड़ी मोदी सरकार की नाकामी रही है सिर्फ 1 दिन के लॉकडाउन के चलते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पूरे देश में आज से लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, बदल गए ये नियम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच यानी आज से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्ड धारकों को भी मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीब रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी भी कोने में राशन को खरीद सकते हैं। ये जानते हैं कि राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी, जिसके तहत वो देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अपना राशन ले सकते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले जहां के आप निवासी थे वहीं पर आपको राशन मिलता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने यह बदलाव किया है कि अब आप किसी भी देश के कोने में हो और कहीं पर भी आप अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं जो मोदी सरकार देती है 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल और गेहूं। तो ये काफी बड़ी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज से देश में चली 200 नई ट्रेनें, सफर से पहले जानने रेलवे के नए नियम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 आज पूरे देश में लागू हो गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने 1 जून यानी आज से 200 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान भी कर दिया है। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही 15 जोड़ी स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से अलग होंगी। वहीं आपको बता दें कि इन
ट्रेनों की बुकिंग 21 मई को पहले ही की जा चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्रा अब 120 दिन या 4 महीने पहले भी रिजर्वेशन करवाकर कर सकते हैं। वहीं 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइन और नियम जारी किए हैं, जिनका पालन करना रेलवे में यात्रियों को जरूर होगा। वहीं रेलवे की ओर से जारी नियम और दिशा निर्देश से पहले चल रही 15 जोड़ी यानी 30 एसी ट्रेनों में लागू हो रहे नियम इन ट्रेनों में लागू होंगे। वहीं आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से कहा गया है कि सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, जो वहां के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए होंगे। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि उनकी जांच की जाएगी कि उन्हें कोरोना महामारी तो नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीमार लोगों को यात्रा की ट्रेन में अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनें दोनों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना लागू होगा ये नियम। वहीं केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति देगी। ट्रेन के अंदर कोई भी कंबल या चादर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो ये काफी बड़े नियम रेलवे की तरफ से लागू किए गए हैं और 200 ट्रेनें आज पूरे भारत में चला दी गई हैं और धीरे धीरे आगे भी ट्रेनें चला दी जाएंगी। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा, और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।